हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आज ऐसे खबरें लेकर आया है कि वो है लोकेन मेडिसिन का बारे में। तो हम लोग शिकारी के लिए जंगल में जाता है, और भी लड़का लोग तो चोट लग जाता है, और काम करने के लिए खेत में जाता है, तो कोई कोई लोग और भी खेत में जाके जोर से पसीना पसीना निकल के पूरा काम करा लेते हैं। तो उसमें दाव से काट देते हैं, लकड़ी से लग जाता है, पत्थर लग जाता है, तो हम लोग उसमें दवाई का ज़रूरत पड़ता है। तो दवाई के लिए हम लोग कोई आसपास में कोई मेडिकल नहीं है, फार्मेसी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो जा नहीं पा रहे। तो उसमें हम लोग मजबूरी में लोकेन का दवा जो कैसे यूज़ कर सकता है कि और वो यूज़ करके कैसे ठीक करा सकते हैं, उसका बारे में मैं फुल जानकारी देता हूँ। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ आए आप सभी को। तो दवा का नाम भी मैंने 3 आइटम्स का दवा लेके आया है। तो दो में से सेम होगा, एक जो अलग है। तो हम लोग दो जो है हम लोग काट देते हैं कहीं में भी हो, तो उसको बहुत दर्द देता है, और कैसे ठीक करा सकता है। तो दोनों में से एक को भी मिलने से काफ़ी है, ये दोनों सेम पावर है। तो दोनों में से एक को आप चॉइस करो, दोनों मिलने से और अच्छी ही है, एक ले लो। तो दो जो दर्द को और कम कर सकता है, और उसको काटने वाला को ठीक कर सकता है। और एक जो हम लोग जाड़ा काटने से हम लोग जोर से खुल निकलता है, उसका बाद में हम लोग बैंडेज नहीं होता है, तो मजबूरी में जल्दबाजी में अपना कपड़ा को पूरा निकल के फटा फटा के उसको जोर से बांधना पड़ता है, टाइट टाइट से बांध के रखना पड़ता है, फिर भी खुल निकलने वाला वो दुखता भी नहीं है, वो निकलते रहता है। तो उसको हम लोग 3 में से 2 हो गया, तो ये लगा के खुल निकलने वाला को दुख सकता है और ठीक भी हो जाता है। तो उसका बारे में मैं पूरा अभी दवा का नाम बता देते हैं, 3 चीज़ों। ये दोनों सेम पावर है लेकिन नाम अलग अलग है। उसका नाम है नंबर 1 मेखानिया। दवा का नाम डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लो, देख के गूगल में सर्च करो उसका नाम करके, तभी निकल जाएगा। तो एक है मेखानिया, नंबर 2 एजिराटिना, और दोनों से एजिराटिना और मेखानिया और एजिराटिना से आप दर्द और ठीक कर सकता है, दर्द कम हो सकता है, और कान एबला को पूरा ठीक कर सकता है। नंबर 3 जो जापानीज स्टेन ग्रास है, ये लगा के खून जोर से निकलता है, उसको खून को अभी 2-3 मिनट में पूरा दुख सकता है, दुखा सकता है, इसलिए आप लोग उसको लगाएं। तो दवाई का नाम मैं एक एक करके अभी बता भी दिया, और डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वो दवा कैसे यूज़ करता है और कैसे ठीक करा सकता है हम लोग, चलिए मेरे को शुरू कर देखिए। ये पत्ता में ऐसे हो जाता है, तो इन सब में पूरा फ्रेश से दिखाई नहीं पा रहा है, देखो फिर भी ठीक से देखिए। और ये देखिए पत्ता में, और बैक साइड में देखिए, ये देखो बैक साइड में ऐसे हो जाता है, तो पूरा दिखाई तो ऐसे देख सकता है। ये थोड़ा सूख गया, अभी जंगल से काट के आया है, भाई ने लेके आया है, तो ये काट देने से जल्दी सूख जाता है, इसलिए थोड़ा सूख गया। हाँ, फिर भी आप लोग ठीक से देखिए, ये मेखानिया है। मैंने 1 नंबर में दिया था वो है, ये है मेखानिया, और 2 नंबर में दिया था वो है एजिराटिना दिया था, वो एजिराटिना जो अभी देखिए मैं एक साथ में डाक के दिखा रहा हूँ, एक साथ में है, तो अभी लेके आया है ये भी, तो थोड़ा सूख गया। ठीक से देखिए पत्ता को आगे में ऐसे हो जाता है, और पीछे साइड में देखिए ऐसे हो जाता है, उसका 3 को देखो, 3 में ऐसे हो जाता है, थोड़ा लाल लाल करके, ऐसे लाल लाल करके दिखाई देगा। तो ये भी जंगल में हो जाता है, हर जगह में मिल जाता है इन सब। और जापानीज स्टेन ग्रास है, ये देखो पूरा सूख गया ये भी, तो अभी लेके आया इसलिए सब सूख गया, फिर भी आप लोग को जल्दी समझ पाएगा ये दिखाने से। ये देखो पत्ता थोड़ा लंबा लंबा है, ये देखो, ये देखिए थोड़ा लंबा लंबा है। ये भी जंगल में होता ही है हर जगह में, और गाय भी खाता ही है। तो अभी ये मेखानिया और एजिराटिना और जापानीज स्टेन ग्रास इन सब कैसे लगाता है, कैसे यूज़ करता है, और चोट लगने से कैसे लगाता है, मैं अभी लगा के दिखाऊंगा। हाँ, आप लोग ठीक से देखिए कैसे लगाता है, मैं लगा के दिखाऊंगा। तो लगाने के लिए उसको पत्ता को कैसे लेता है, अभी लेके लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा उसे ले लेगा, थोड़ा नरम नरम होता है, इन सब भी लेना है, इसे भी, ये नया नया है देखो, ये नया नया वाला लेना है, उसको ले लिया।
और इसको भी, ये भी थोड़ा नया है, ये नया है, इसको लेगा, ये नया है देखो। और ये भी थोड़ा नया है तो उसको भी ले लेगा, तो इससे ले लिया, इसे थोड़ा इतना ही ले लेगा, मैंने अभी लगा के रखूँगा इसलिए इतना ही ले लेगा। उसको मिला है तो उसको ले लो, उससे भी नया नया वाला लेना है, जो जो नया है और भी इससे तो नया वाला, ये फर्स्ट वाला लेना है, आगे वाला, ये आगे वाला लेना है, ये नया ले लिया, अभी के लिए इतना ले लेगा। तो अभी कैसे लगाता है, मैं दोनों में से एक से लगा के देखूँगा, और लगाने वाला तरीका जो दोनों सेम तरीका है, तो दोनों में से मैं मेखनिया से लगा के दिखाऊंगा। अभी ये है मेखनिया, ये मेखनिया से लगा के दिखाऊंगा। ये देखिए इसमें चोट लग गया मेरा, तो फिलहाल मैं अभी भी बाइक से एक्सीडेंट होके बैठा हुआ है। ये एक्सीडेंट होने के बाद 2-3 दिन हो गया, तो इस समय जराए लग गया, इसलिए मैं अमेरिकन जाके उसको लगा के आया है, क्योंकि जराए लग गया, इसलिए इस समय सिलाई भी किया है, 3-4 सिलाई करके मैं रखा हुआ है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा चोट लग गया, तो मैं अभी उसको लगा के देखेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लगा है। तो ये 2-3 दिन हो गया, तो ये थोड़ा सूख गया, फिर भी मैं सूख गया, उसको ऐसे लगा के देखेगा। फिर आप लोग, ये नया नया नहीं है, तो 2-3 दिन हो गए, तो आप लोग गर्म पानी से उसको साफ करके उसको कॉटन से सूखा के लगा सकता है आप लोग। फिर मैं तो अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं ऐसे आप लोग को दिखाने के लिए सूखा सूखा वाला को कैसे लगाता है ऐसे लगा के दिखाता हूँ। तो ये पत्ता है, ये मेखनिया, ये मेखनिया पत्ता है, मेखनिया का पत्ता है, तो ये मेखनिया से मैं अभी, मेरा इसमें थोड़ा काट लग गया, तो उसको लगा के देखेगा ये मेखनिया, तो उसको कैसे लगाना है आप लोग ठीक से देखिए। उसको उसको हाथ में ऐसे लेके ऐसे तकर से, पूरा तकर से ऐसे जोर से ऐसे लगाना है, ऐसे करो ऐसे करो, ये जल्दबाजी में ये बिक जाता है, देखो उसका जूल निकल गया, उसका पूरा पानी पानी जूल निकल गया, देखो देखो ये देखो ये देखो ऐसे निकल गया, तो उसको निकल गया, हाथ भी थोड़ा ग्रीन टाइप में हो गया, पूरा ग्रीन हो गया, कलर कलर लग गया इसमें भी, तो ऐसे कलर लग गया। तो मैंने ये है, इसको आप लोग ठीक से देखिए, उसको ऐसे ढकना है, ढक के उसको ऐसे लगा के देखो, मैंने लगा लिया। ऐसे लगाने के बाद में आप लोग जंगल में है तो ऐसे करके ये पत्ता को, ये पूरा पक गया, ये पूरा नरम नरम है, ये हाल लगने में ये पूरा नरम से मिलता है, ये कपड़ा का जैसा भी है, देखो ये नरम वाला से उसको ठीक से इसमें चटका के ऐसे लगा के रखना है, ऐसे लगा के रखना है। अगर आप जो जंगल में है तो उसको कपड़ा से भी बाल सकता है, और अभी आप फिलहाल घर में है तो ऐसे लगा के ऐसे डाक सकता है, तभी ठीक हो जाएगा। तो अभी फिर इसी को ही लगा के दिखाता हूँ, और कैसे जापानीज स्टेन ग्रास से कैसे लगाता है, और जापानीज स्टेन ग्रास लगाने से खून रुकता है, तो उससे खून रुकने के लिए कैसे लगाता है अभी दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये जापानीज स्टेन ग्रास है, पत्ता है थोड़ा लंबा लंबा करके, तो ये हाथ में ऐसे लगाएगा तो ये कभी बिक जाएगा नहीं है, सूखा सूखा है, ऐसे मुंह में ऐसे उसको दिखाने के लिए ऐसे खा लो, उसको खा, उसको पूरा खाना का जैसा खाना नहीं है, थूक मार कर देखेगा कैसे है, कि ठीक होगा कि अंदर में ठीक होगा कि, थूक मार कर देखेगा, थूक मारने से पूरा उसका पानी पानी जो ग्रीन से उसका जुल जो निकलने से ठीक हो गया, अभी ठीक होगा, अभी फिलहाल ठीक हो गया। तो पहले का जैसा है लगाएगा, ये पहले का जैसा है ऐसे लगाना है, और मुंह से डायरेक्ट उसको थूक भी मार सकता है, तो अभी फिलहाल ये हो गया, तो थूक से ऐसा थूक मुख से ऐसे डायरेक्ट थूक भी ऐसे भी मार सकता है, मार के ऐसे उसको लगाना एकदम ज़रूरी है। देखो इसका पत्ता मैंने अभी चबा चबा के खा के पूरा चटनी का जैसा हो गया, फिर भी उसको ऐसे लगा के रखना है, एकदम उसको लगा के ऐसे ढकना एकदम ज़रूरी है। तो जो भी हो, अगर जंगल में है तो
कुछ रस्सी इन सब पट्टा का रस्सी इन सब लेके उसको बाल के रखो। और गर्मी है तो अगर बांधने का बैंडेज होता है बैंडेज है तो उसको ठीक से बाल के रखो, तभी आपका खुल जो 2-3 मिनट में ये दुख जाता है। तो आप लोग ठीक से देखिए ऐसे लगाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो से पूरी जानकारी समझ लिए होंगे और आपका कीमती समय निकल कर इस वीडियो को देखे होंगे, उसके लिए बहुत बहुत।